चलो आराम से उतर मम्मा, बस इतना आराम से उतर। चल 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 बाहर खड़ जा, मैं बॉटल पकड़ती दे, बॉटल पकड़ती ना दे। और यहाँ पे जो है मैं आ चुकी थी लंच प्रिपरेशन करने के लिए, मैंने आधा लगभग काम करके रख दिया था। जुम्मा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, आप बोलोगे बार बार एग्ज़ाम एग्ज़ाम, बट क्या करूँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। पुलाव की तैयारी की थी, रायता अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था, घर में बूंदी बना के ही मैं बनाती हूँ अभी। और ये रहा क्यूट सा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जिसमें मैं अभी चाय पीती हूँ। अच्छा फुल कप नहीं पीती हूँ, डरिएगा मत, मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ, बस आधी आपको बस दिखाना था ये वाला कप। चलो अस्सलाम वालेकुम, आराम से जा, आराम से जा। सीधा उसको उधर मत लेके जा बेटा, क्या बोलते वो खाना लाने को, उसको मत लेके जा बेटा, दूर जाता ना तू। चलो जाओ। और जस्ट ये वीडियो इसके लिए था कि ये इसकी रोज की हैबिट है। रोज मतलब जैसे हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं ना, वो तो चलो वॉशरूम के बाद वो लोग खुद को साफ़ करते हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट ये जो साफ़ सफाई इसके पूरी बॉडी की, ये रोज़ करता ही है। अल्लाह ने कैसे कैसे मतलब कांट इमेजिन। और इसका ये है खाने का, एक हम लोग ने एक स्पेसिफिक जगह बनाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे जाके खाता है। हाँ अगर खाना नहीं हो तो आवाज़ भी देता है माशाल्लाह। और यहाँ पे एक्चुअली और अभी शाम हो चुकी है, मगरिब के बाद ये पुलाव था जुम्मा स्पेशल, अब मैं बनाऊंगी चाय। एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ व्लॉग्स में, पढ़ाई की वजह से ना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं हो रहा है, और मैंने अभी तक कुछ नई रेसिपी ट्राई नहीं की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और ये आया है मुझे मलिदा खाला के यहाँ से। चलिए अब सबसे पहले चाय बनाते हैं। और ये मेरी हंडी पूरी ख़राब हो चुकी है, उस दिन पुडिंग बनाया था मैंने इसके लिए, कोई बात नहीं टेस्टी भी तो बना था। चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पे ये, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अदरक, इसको पकने देंगे, मलिदा रख देंगे इधर। अच्छा मेरे पास है ना, आज मैंने सुबह में ना टिफ़िन के लिए चने बनाए थे, वेट आज या तो फिर कल। और ये जो है ना मैंने चने बनाए थे टिफ़िन के लिए, अब पुलाव है तो कोई खाएगा नहीं, तो इसका कल कुछ तो सैलेड बनाएंगे। अब फ्रिज में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और फ्रूट आया है आज घर में माशाल्लाह, यहाँ आता है। और ये है आई थिंक इसको प्लम बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो चलिए ये अब नहीं काटूँगी, थोड़ी सी कच्ची लग रही, इसको कल एक साथ काटेंगे। अब चाय बनती है, जब तक दूसरा काम करते हैं। और इसको हम लोग कट करके रख देंगे नमक वगैरह लगा के। और यहाँ पे जो है मैंने पेरू कट करके इसलिए लिया था क्योंकि जो अक्खा होता है ना बच्चे, मतलब ये थोड़े बड़े पेरू है ना, उतने सॉफ्ट नहीं हो रहे, वो दिख रहे हैं सॉफ्ट पर उतने नहीं हो रहे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से मतलब बहुत बारीक ने कट करके इसको नमक लगा के रख रही हूँ, तो वो सॉफ्ट हो रहे हैं। और मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है पेरू, जो गंदा हिस्सा था उसको साफ कर लिया। एक पिंक वाला पेरू है एक्चुअली में, बच्चे जा चुके हैं महफिल, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा, क्योंकि अब कल सैटरडे है तो टिफिन वगैरह का कुछ इतना टेंशन नहीं है मुझे, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। और ये मीठा है आई नो दैट, बट वो नमक लगा के रखने से क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है, देन टेस्ट और बेटर आता है, राइट। चलिए दिस इज डन ऑलमोस्ट, इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे ये अपना आराम करते हुए, हेलो अब्दुल वासित, हेलो एक पीस उठाओ चलो जल्दी से, खाने के बाद नहीं खाते फिर तुम, जल्दी छोटा सा जल्दी से, हाँ
हाँ लो जल्दी से, खाने के बाद नहीं निकले जाता। और बस ये बुरका स्टिच किया था तो छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा दी। होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।